उसको कितने ज्यादा व्यूज मिलते हैं, एंगेजमेंट, ये जो भी रोस्टिंग वीडियोस होते हैं। सो हेलो गाइस, आज हम कवर करने वाले यूट्यूब कम्युनिटी और सोशल मीडिया अनदर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज आज इस वीडियो में कवर करने वाले। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनी है और आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मजेदार है। वीडियो को लाइक कर दो, साथ साथ चैनल पे रहो, सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दबा के शेयर करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, यूजर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज के बारे में बात करते तो टेक्निकल गुरुजी ने यार बीट कर दिया अनबॉक्स थ्योरी को और वो अब बन चुके हैं नंबर वन वर्ल्ड के टेक्निकल चैनल। तो उनको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन हम सब की तरफ से। तो गाइस एक तो ये होगी हमारी फर्स्ट न्यूज। सेकंड न्यूज के बारे में बात करते हैं हिंदुस्तानी भाव के बारे में। उन्होंने यार कल परसों में अपना ट्विटर पे अकाउंट बनाया था, तो उनका अकाउंट पे अब कुछ इस टाइप से लिखा आता है, बट सारे लोग ये सोच रहे हैं कि उनका अकाउंट बैन हो चुका है, सस्पेंड कर दिया गया ट्विटर की तरफ से और ये सब बहुत सारी अफवाह फैलाई जा रही है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार, उस पर क्लिक करोगे तो उनका अकाउंट वो आपके सामने इंटरफेस होकर आ जाएगा गाइस। तो ये था हमारा सेकंड न्यूज। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। बात करने वाला एल्विश यादव के बारे में। उन्होंने यार अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया जो आप देख सकते हो। तो यार ये अपने उनके नेक्स्ट वीडियो का थंबनेल है और इस टाइप से कुछ उनके वीडियो रहने वाले, आप थंबनेल देख के अंदाजा लगा सकते हो। तो यार अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट उसके बारे में। बात करने वाला मिस्टर फेसबुक के बारे में गाइस। उनके खिलाफ कंप्लेंट हो चुकी है और उनकी दो वीडियोस के कारण आसिफ खालिद नाम से एक लॉयर है, तो उन्होंने कंप्लेंट की है। और क्या उसकी वीडियो थी मिस्टर फेसबुक की, वो आपको मैं पहले दिखा देता हूं गाइस। आप क्लिप यार मुझे छोड़ के मत जाओ, देखो ब्रेकअप की बात मत करो, मैं अपनी नस काटूंगी, मैं तैयार हूं एकदम नस काटने के लिए, बता। हमने ये नस काटने की बात कर रही है, अभी पोछा लगाया मैंने तेरी, बाहर जाके नस। तो उसी वीडियो के लिए बेसिकली अली कासिफ खान देशमुख ने जो है मिस्टर फेसबुक अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया है। एंड उसी के बारे में बताते हुए वो अपने ट्विटर में ये ट्वीट किए, कंप्लेंट इन द साइबर सेल हैज बीन फाइल्ड टुडे बाय मी अगेंस्ट नोटोरियस टिकटॉकर मिस्टर फेसबुक फैजल शेख बाय ग्लोरीफाइंग डोमेस्टिक वायलेंस असॉल्ट ऑन वुमेन एंड प्रमोटिंग क्राइम। तो यहाँ पर अली कासिफ खान देशमुख ये बताना चाहते कि मिस्टर फेसबुक अपने वीडियो के थ्रू जो है, जो मैं आपको कुछ टाइम पहले दिखा था, वो बेसिकली वुमेन वायलेंस को ग्लोरीफाई कर रहा है। ऑल्सो मिस्टर फेसबुक के एक और वीडियो के ऊपर अली कासिफ खान देशमुख ने कंप्लेंट किया है। अब वो वीडियो कौन सा, पहले आपको वीडियो देखिए। तो उसी वीडियो के बारे में बताते हुए अली कासिफ खान अपने ट्विटर में ये ट्वीट किए थे, टिकटॉकर मिस्टर फेसबुक प्रमोटिंग फोर्स असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, आई हैव आल्सो फाइल्ड कंप्लेंट अगेंस्ट हिम फॉर ब्रेकिंग लॉकडाउन रूल्स एंड मेकिंग वीडियो कमिंग आउट ऑन रोड। एंड यहाँ पर जो है वो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इंडिया को टैग किया है एंड ऑल्सो मुंबई पुलिस को भी वो टैग किया है एंड लिखा है सस्पेंड ऑल हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड रजिस्टर FIR। तो यहाँ पर बेसिकली अली कासिफ खान देशमुख मांग कर रहे हैं मिस्टर फेसबुक जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उन सब सोशल मीडिया अकाउंट्स को मतलब की हटा दिया जाए, मतलब सस्पेंड किया जाए। तो यार आप लोगों का क्या कहना है इस पे, कमेंट करके जरूर बताना। मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक की रेटिंग के बारे में यार, जैसे कि आपको पता है 1.3 से लेके अब 1.6 हो चुकी है और इस पे रिएक्ट करते हो, कल मुंबई कर निकल के एक वीडियो आई थी तो उनपे उन्होंने रिएक्ट किया था कि इस पे जो रेटिंग पे बात करते हो, कुछ उन्होंने रिप्लाई दिया था और रिएक्ट किया था, तो आप भी देखिए उनका क्लिप। जैसे कि आपको पता है टिकटॉक की रेटिंग काफी गिर गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रेटिंग इतनी हाई कैसी थी वो मुझे समझ भी नहीं आया, अभी गिरा के क्या होगा। लेकिन अभी टिकटॉक की रेटिंग हो गई है 1.3, रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई है और अभी आई थिंक लोगों को वो सवाल चढ़ गया कि हम इसको और रेटिंग गिराएंगे। टिकटॉक का मजाक उड़ाना और उड़ते हुए देखना ये सब लोगों को पसंद है, इसलिए इतने सारे व्यूज मिलते हैं टिकटॉक रोस्टिंग वीडियोस को। अगर यह बैन भी होता है तो थर्ड पार्टी से डाउनलोड भी हो जाएगा और वहां पर वीडियो बनाएंगे, लोग इंस्टाग्राम पर डालेंगे और आपको भी मुझे पता है कि इंस्टाग्राम पर ये सब वीडियोस को कितने ज्यादा व्यूज मिलते हैं, एंगेजमेंट। ये जो भी रोस्टिंग वीडियोस होते हैं ये सिर्फ मजाक के लिए होते हैं, देखो हंसो, वीडियो बंद कर दो, अपनी जिंदगी में बिजी हो जाओ, ना कि किसी को हेट करो। यार गाइस देखो, किसी को भी गाली देना हमारा काम नहीं है और गाली सुनना, वो सुनेगा तो उसको भी बुरा लगेगा। मुझे जानना है एक्चुअली टिकटॉक की रेटिंग जो गिर रही है उससे क्या ऐप पे फर्क पड़ेगा, आई मीन इमेज पे जरूर फर्क पड़ेगा लेकिन वो बैन होगा उससे वो मुझे नहीं। बस इतना ही न्यूज़, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए एंड इसी तरह की यूट्यूब कम्युनिटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।